भाई और बहनों, आज उड़ीसा का हालत क्या है आप देखिए। हमारा नजदीक में छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ का चुनाव में मैं आता था, वो समय हम छत्तीसगढ़ का किसानों को हमने वादा किया था, हमें एक बार सरकार बनाने का मौका दे दीजिए, हम आपको धान का मूल्य, धान का प्राइस हम आपको 3,100 रुपया देगा। आज आप देखिए छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार प्रति क्विंटल धान का एमएसपी कटनी छटनी नहीं करते हुए 3,100 रुपया देते हैं। अगर जासूगोरा का बॉर्डर में छत्तीसगढ़ का किसानों को 3,100 रुपया मिलते हैं, तो आपको भी 3,100 रुपया मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए? मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए? इसीलिए भाई और बहनों, हमें मोदी जी का डबल इंजन सरकार हमें उड़ीसा में बनाना है। भाई और बहनों, आज उड़ीसा में हमें फ्री रेशन दिया जाता है। कौन देते हैं? हमको चावल देते हैं मोदी जी, और नवीन पटनायक जी हमें क्या देते हैं? चावल देते हैं मोदी जी, और नवीन पटनायक हमें थमा देता है दूध और जूट का बैग, खाली बैग। बैग का अंदर में कुछ नहीं रहता है। ये पांडियन का दिमाग देखिए, कितना कितना दिमाग वाला व्यक्ति होगा। आप देखिए, चावल आएगा मोदी से और बैग आएगा नवीन पटनायक से। अरे बाबा, खाली बैग क्यों देते हो? अगर मोदी जी चावल देते हैं, आप तो दाल दे सकता है ना, खाली बैग का जगह में आप तो दाल दे सकता है। लेकिन ये तमिलनाडु में जन्म मिलने वाला, इसका आप लोग दिमाग देखिए। ये लोग सोचा चावल मिलेगा मोदी से, हम खाली बैग हाथ में थमा दूंगा और उड़ीसा का लोग हमें वोट देके दोबारा जिता देगा। अब दिमाग देखिए, इतना तेज वाला दिमाग का व्यक्ति को नोबेल प्राइज देना चाहिए, देना चाहिए कि नहीं चाहिए? बताइए। आपका हाथ में खाली बैग थमा दिया, अंदर में मोदी का साउल और बाहर में बीजेपी का पिक्चर, आप देखिए कितना चतुर व्यक्ति है। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।